जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, बड़े बड़े पर्वत उठाने वाले, समुंदर लांग जाने वाले और समय भगवान के काम संवारने वाले संकट मोचन हनुमान जी का जन्म दिवस चैत्र महीने में पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसीलिए हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि रामनवमी के ठीक 6 दिन के बाद हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि 5 मार्च सुबह 9:19 पर शुरू हो जाएगी और 6 अप्रैल की सुबह 10:04 पर ख़त्म हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। यह त्यौहार विश्व भर में हनुमान भक्तों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी की पूजन आराधना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि हनुमान जी के जन्मदिन पर विधि विधान से महाबली हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इनकी शरण में आकर हर संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के जन्मदिन पर विधि विधान से बजरंग बली जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परंतु इतना ध्यान रखें कि हनुमान जी की पूजा करते समय भगवान श्री राम की पूजा अवश्य करें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन हनुमान जी के भक्तों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में मंगल जनित दोष भी शांत होते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के देवता हनुमान जी हैं। अगर हनुमान जी की कृपा आप पर हो गई तो समझो आपके हर कार्य पूरे हो जाएंगे। इस दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाकर और बेसन के लड्डू का भोग अगर हनुमान जी को लगाकर और छोटे बच्चों को खिला देते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल भी पीड़ित है या अशुभ है तो आप हनुमान जी की आराधना के साथ साथ मंगल बद का छल्ला जरूर पहने। मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक सफलता मिलती है और आपके हर काम बनते चले जाते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।